नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। उम्मीद अल्लाह में आप खैरियत से रखे, ठीक रखे। मैं बनाने जा रही हूँ आज वाइट एग कौरमा। इसके लिए मेरे लिए बॉयल एग की ओए, आप जितने मर्जी आप दाने डाल देना, जितने हैं आपके बराबर उतने डालने। आप एग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उसको मैंने बीच में से चार इसके किए हैं पीस किए इसके, इसका आपने दरमियान से काट लेना है। काजू, बादाम, ग्रीन चिली, एक एक प्याज, अदरक लहसुन। स्पाइसेस के लिए मैं शामिल करूँगी एक गरम मसाला, नमक हसबे जायका, काली मिर्च, क्रीम, मिल्क पैक क्रीम ले लें या और पर से क्रीम ले लें, कोई भी क्रीम ले लें। आप मलाई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। क्रीम, योगर्ट, दही, पैकेट वाली दही ले, वो ज़्यादा अच्छी होती है। खुली दही लेने से अच्छा पैकेट वाली दही ले, वो ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए अब मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने पतीली में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें मैं काजू और को डालूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी काजू, जो मैं आपको सामने दिखाया था, बादाम और मिर्च, मिर्च और प्याज वगैरह। इसको मैं हल्का सा करूँगी इसके अंदर, हल्का सा मैं करूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और क्योंकि मैंने इसका पेस्ट बनाना है, तो उसको मैं इसलिए सॉफ्ट हो, सॉफ्ट करने के लिए इसको हल्का सा करूँगी, फिर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी इसको ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ये बनाने में फिर आसानी हो, ये मीन्स पेस्ट बनाने में इसकी आसानी हो जाए। अब ये हो गया, इसमें मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी। मैं थोड़ा ठंडा करने रख दूंगी इसको, फिर इसकी पेस्ट बनाऊंगी मैं। देखिए मैंने पेस्ट रेडी कर दी है, ये देखिए मैं पेस्ट रेडी कर दी है, काजू की, बादाम की और प्याज की पेस्ट रेडी कर दी है। अब मैं इसको मैं डाल दूंगी ऑयल के अंदर, इसको डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह भूनूंगी। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, ये मैंने पेस्ट डाल दी जो बनाई थी पेस्ट में आपको खाया था, उसको अच्छी तरह भूनूंगी मैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ना इसको अच्छी तरह भुनाओ, पकाओगे पेस्ट को। अब मैं फ्लेम इसमें बंद कर दी हुई है, अब मैं इसमें योगर्ट भी डाल दूंगी, दही ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और इसको भी बंद फ्लेम में ही बनाऊंगी, दही को ऐड करूंगी इसके अंदर। क्योंकि अगर मैंने फ्लेम इसकी ऑन रखी और दही को डाल दिया तो दही फटने का भी ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं इसको बंद फ्लेम में ही दही को डालूंगी ताकि दही अच्छी तरह हो जाए इसके अंदर। ये दही मैंने ऐड कर ली है, फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है, तो इसको अभी बंद फ्लेम में दही को इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसके अंदर, फिर इसकी फ्लेम ऑन करूँगी और हल्की फ्लेम में करूँगी इसको ताकि दही फटे ना, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैंने अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम रखी है, इसमें मैं इसको अच्छी तरह बना करूंगी, अच्छी तरह बनाऊंगी मैं ताकि अच्छी तरह अंदर मिक्स मसाला हो जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स मसाला करूंगी इसके अंदर, मैं अच्छी तरह करूंगी मिक्स।
देखें, ये अपना कलर भी छोड़ रही है हल्का हल्का। देखिए मैं इसको मिक्स करती हुई होंगी, ये अपना कलर छोड़ी है हल्का हल्का। फिर मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी, इसको अच्छी तरह फैलाऊंगी, इसको मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह मैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। दही डाली मैंने इसके अंदर, इसको मिक्स करूंगी मैं बिल्कुल लो फ्लेम की मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून, दो सॉरी 2 खाने के चमचे गरम मसाला। मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं, गरम मसाला, काली मिर्च, कसूरी मेथी और नमक हसबे जायका। अब मैं इसको अच्छी तरह लाऊंगी, ये देखें मैं इसको अच्छी तरह ला रही हूँ। फिर मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी आपके सामने, ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रच बच गया इसके अंदर। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी आपके सामने, ये देखिए क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आप कोई भी क्रीम ले सकते हो, ऊपर से क्रीम मिल रहा है, क्रीम आप इसमें ऐड कर लें, या आप मलाई भी ले सकते हैं, दूध की जरूरत है, क्रीम या मलाई भी ले सकते हैं आप। अब मैं इसको भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। अब मैं इसको हिलाती रहूंगी, ये देखिए कलर इसका आ चुका है, तकरीबन तकरीबन इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी एग, अंडे ऐड कर लूंगी जो मैं बॉईल किए थे। ये देखिए मैंने आपके सामने ये अंडे बॉईल किए थे, मैं इसमें से मैं काटे थे, इसको दरमियान से काटे थे, इसमें इसलिए ऐड कर लूंगी दरमियान से काटे ताकि इसके अंदर मसाला मसाला इसके अंदर रच बच जाए इसके अंदर इसका। अब मैं इसको हिलाऊंगी, ज्यादा नहीं हिलाऊंगी टूट ना जाए। अब मैं इसको उसके अच्छा पकने दूंगी, इसको हल्की आग में मैं दम रख दूंगी ऊपर। मैंने इसको तड़का भी लगाना है तो एक कोरमे को, तो मैं इसमें पहले बटर ऐड करूंगी इसके अंदर। बटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी मैं। जी मैंने तड़का लगाने के लिए बटर डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके अंदर, और मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और 2 लौंग डाली इसके अंदर, और 2 इसके अंदर इलायची डाली है मैंने क्रश की, ताकि इसका खुशबू इसका अरोमा सा अच्छा है, इसका अरोमा सा अच्छा था, मैंने खुशबू अच्छी इसका आती है। अब मैं थोड़ा सा तड़का लगा के फिर इसमें डाल दूंगी इसके अंदर। बटर, ऑयल, ज़ीरा, लौंग और इलायची का, 2 लौंग है, 1 इलायची डाली इसके अंदर क्रश करके। अब मैं इसको हल्के आग में दम में रख दूंगी ऊपर इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। वेलकम बैक नाज़रीन, ये मेरा एग वाइट कौरमा रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो उसका फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।